Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये आज मैंने एक वाटर लेवल इंडिकेटर सर्किट बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने इसके जो कंपोनेंट्स है क्या क्या कंपोनेंट्स है देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंपोनेंट्स देख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके ब्रेड बोर्ड, ठीक है, टू ब्रेड बोर्ड, एक जे एक ए मैंने कनेक्ट किया एक दोनों को, ठीक है। इसके साथ मैंने एक आईसी लगाया है, आईसी, वो आईसी का जो नंबर है 2003, ये आईसी है यूएलएनएन आईसी है, इसका नंबर ये है 2003। और इसके साथ मैंने थ्री रजिस्टर है, इसके जो कंपोनेंट्स है थ्री रजिस्टर्स है, वो थ्री रजिस्टर 1 किलो ओहम रजिस्टर्स है, ये देख सकते हैं आप इधर लगे हैं, ये थ्री रजिस्टर है। उसके साथ हमने थ्री एलईडी लगाया है, एक रेड एलईडी है, एक येलो है, एक ग्रीन है। इसके साथ ये वायर कनेक्टिंग है, और इसके साथ ये इसके 9 वोल्ट बैटरी है। ये एक कंटेनर मीन एक कंटेनर है जिसमें हम वाटर डालते हैं, और एक इसके साथ बजर लगाए हुए हैं। इसके आईसी का काम जो है वो इसके सेंसेशन है, ये कैसे काम करते हैं उसके सेंसेशन का काम है। बजर हमारे साथ उसके आवाज़ देना है, साउंड प्रोड्यूस करना है। एलईडी हमारे से लाइट, हमारे से हम उसे लाइट देते हैं, लाइट एनर्जी देते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वायर एक दूसरे के साथ उसने कनेक्ट किया है। इसी सर्किट का काम क्या है, इसे जो हमने मैंने प्रोजेक्ट बनाया इसका काम क्या है, इसकी काम फॉर एग्जांपल ये हम मिसाल के तौर पर बाज हम आप लोगों के एक एग्जांपल देते हैं कि हम मिसाल हम डैम की दे दें। डैम बाज अवकात डैम में पानी बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो डैम में पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वो पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिर वो हमको कैसे पता चलते हैं कि डैम में पानी का लेवल ज़्यादा हो गया, हमको तो वैसे ही पता नहीं चलता है कि कैसे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो वो हमारे से तो उधर यही सेंसेशन, यही गेट, यही सब कुछ लगे होते हैं, तो हमारे से यही सेंसेशन हमने लगाए हुए थे, उसके एक रेंज होते हैं, उसके ऊपर पानी आ जाता है, तो वो हमें कंट्रोल रूम में बताता है कि हाँ आपके साथ डैम में पानी ज़्यादा हो गया, और उससे और ज़्यादा हो गया, तो हमें वो बताता है कि पानी और भी ज़्यादा हो गया, हमें वार्निंग देते हैं, येलो लाइट ऑन हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें पानी और ज़्यादा जो आखिर डैम को ख़तरा होते हैं उसके ऊपर आते हैं, तो फिर हमें रेड लाइट देते हैं, तो उसके बाद वो शोर लगाना शुरू करते हैं, वो हमारे साथ जो अलार्म होते हैं वो शोर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये पानी ज़्यादा हो गया है डैम में। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो एक गेट है एक वाल हम उसको खोल देते हैं उससे पानी को कम करने के लिए। ये उसके मिसाल आपने मैंने आप लोगों को दे दिया, ये सर्किट भी यही काम कर रहा है कि हमारे साथ कैसे काम करेगा हम आपको दिखाते हैं। अभी इस डब्बे में मैं पानी डालता हूँ, तो हमने इधर तीन वायर की सेंसेशन लगाया है, देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वायर बहुत नीचा है, वो हमने येलो मीन ग्रीन वायर है, दूसरे उसके बाद येलो वायर है, तीसरे उसके बाद देख सकते हैं इधर, तीसरे उसके बाद रेड लाइट है, मीन्स येलो तक पानी आ जाए तो हमारे साथ हम ग्रीन तक पानी आ जाए वो हमें ग्रीन एलईडी शो करे, ग्रीन एलईडी शो कर जाएगा। अगर येलो वायर तक पानी आ जाए तो वो हमें इधर येलो को शो करेगा, अगर रेड तक आ जाए तो हमारे साथ वो रेड भी शो करेगा, उसके साथ बजर आवाज़ भी शुरू करेगा, क्योंकि पानी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, इमरजेंसी हमारे साथ इमरजेंसी ख़तरे के हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये बैटरी लगाई, लेकिन इस बैटरी में थोड़ा सा चार्ज ख़त्म हो चुका है, मैं इसे दूसरे बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, इसको पकड़ो, मैं इसको दूसरे बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, इस बैटरी में थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। ये मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसके साथ मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। इधर मैंने इसकी कनेक्शन इस तरह किया है, देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं इसमें पानी डालता हूँ, पानी डालने के साथ ये लाइट ऑन हो जाएगा, देख ले। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं तो अगर ये पानी पहले ग्रीन लाइट तक आ जाए, ग्रीन लाइट तक आ जाए, ग्रीन लाइट ग्रीन वायर तक आ जाए, तो हमारे साथ एलईडी ऑन हो जाएगा, ग्रीन वाले हमारे साथ एलईडी देख ले, वो ग्रीन वाला
LED ऑन हो गया, मतलब हमें ये बताता है कि आपकी जो डैम है उसमें पानी का लेवल ज़्यादा हो गया है, हमें वार्निंग दे देता है। उसके बाद और भी पानी, मिसाल के तौर पर बारिश हो गया या तूफान कुछ हो गया, उसके पानी ज़्यादा हो गया, डैम में पानी ज़्यादा हो गया, तो वो हमें बताता है कि पानी ज़्यादा हो गया। अगर उससे भी पानी ज़्यादा हो जाए, मैं देख ले पानी डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ, देखे 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 देखे, उसके बाद हमारे साथ वो देख ली येलो राइट येलो होश हो गया, हमें वार्निंग दे रहा है कि अभी पहले हमें ग्रीन लाइट असल के तौर पर किधर यूज़ होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए एक नॉर्मल लाइट होते हैं, येलो होते हैं ये हमें वार्निंग के लिए यूज़ होते हैं, जो रेड हो जाते थे वो हमें इमरजेंसी के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद हमें और भी पानी डालते है, डालते है, डालते तो हमारे साथ रेड लाइट लाइट ऑन हो जाएगा, ये हमारे साथ रेड लाइट ऑन हो जाएगा, देख ले ये रेड लाइट भी ऑन हो गया और बजर ने आवाज़ भी शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हैं ये तीनों लाइट ऑन हो गया, हमारे साथ रेड लाइट भी ऑन हो गया और बजर ने आवाज़ भी शुरू कर दिया। आप लोग बजर की आवाज़ सुन ले, देख ले ये